अच्छा लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने कंसीडरेशन खत्म किया था, अब आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज प्री कंसेंट। प्री कंसेंट में देखो अभी तक हमने जितने भी पढ़े सारे के सारे क्या थे, असेंशियल एलिमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट थे, यानी कि वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होंगी तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड बनेगा। अब इसी ढंग से नेक्स्ट इसमें आता है प्री कंसेंट। प्री कंसेंट में हम कहते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज इन्वॉल्व है अगर उन पार्टीज की प्री कंसेंट नहीं है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट में दो वर्ड है, पहला फ्री और दूसरा क्या, कंसेंट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट, सेक्शन 13। देखो कंसेंट का मतलब है जब दो लोग एक ही बात पे एक ही तरीके से सहमत हो तो उसका क्या मतलब है कंसेंट। सहमति किसे कहते हैं भाई? हाँ जी, आपके फ्रेंड ने कहा आज मूवी देखने चलनी है, आपने कहा हाँ चलनी है। कौन सी मूवी देखी अभी, टीटू दी, कौन सी आई है वो, टीटू दे सोनू दी, शादी है क्या है, स्वीटी। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों की कंसेंट हुई कि ये टीटू मीटू वाली जो है मूवी देखने जाएंगे। अब जब दोनों ने एक ही बात पे ये अग्री किया कि टीटू मीटू वाली मूवी देखने जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, इस वाले थिएटर पे जाएंगे या मल्टीप्लेक्स पे जाएंगे, तो यानी कि दोनों की क्या हुई है, कंसेंट, सहमति। दोनों एक ही बात पे एक ही तरीके से क्या है, अग्री है। ठीक है, तो कंसेंट को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन the same thing in the same sense। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कंसेंट बोलते हैं। यह आ गया टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज्यादा लोग, सेम थिंग आ गया और क्या आ गया, सेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एंड आइटम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब देखो कई बार हम कहते हैं कंसेंट तो हो गई, दो लोग एक ही चीज पे एक ही तरीके से सहमत भी हो गए, पर कई बार हम सहमति दिल से नहीं देते। ठीक है, जैसे फादर ने बेटे को बोला कि बेटा तेरे को इस लड़की से शादी करनी है, बेटे का बिल्कुल मन नहीं है उससे शादी करने का। ठीक है, ऑलरेडी अफेयर है कहीं पे, ठीक है, लेकिन अब बाप की 2000 करोड़ की जायदाद है, अब पता है कि बाप की बात नहीं मानी तो जायदाद से बेदखल कर देंगे पापा। तो अब बड़े ही बेमन से भारी मन से बोला ठीक है ओके पापा, आपने जो मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अब नाउ फादर एंड सन टू और मोर पर्सन अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, लेकिन क्या बेटे की कंसेंट फ्री है, प्रेशर है या नहीं है, किस चीज का प्रेशर है, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का प्रेशर है, कम थोड़ी ना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम हमारी कंसेंट क्या हो, फ्री भी हो, लेकिन लॉ कहता है भाई खाली कंसेंट से काम नहीं चलेगा, हम तो कॉन्ट्रैक्ट को तभी वैलिड मानेंगे जब वो कंसेंट क्या होगी, फ्री भी होगी। तो अब फ्री कंसेंट में हम कहते हैं 5 चीजें आती है। अगर आपकी कंसेंट इन 5 चीजों में से कहीं पर भी अटक गई या इन 5 कारणों से हुई है तो हम उसे फ्री नहीं मानेंगे। यानी कि अगर आपकी सहमति कैसे ली गई है, कोर्जन से ली गई तो फ्री नहीं है। दूसरा, अगर आपकी सहमति किससे ली गई, अंडियू इन्फ्लुएंस से ली गई तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। तीसरा, अगर आपकी सहमति
फ्रॉड से ली गई है, भला फुसला के झूठ बोल के ली गई है, तो आपकी सहमति फ्री नहीं है। चौथा, आपको कुछ गलत फैक्ट्स बताकर आपकी कंसेंट ली गई, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन, तो भी हम कहेंगे कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। फिफ्थ देखो, मिस्टेक, या फिर आपने गलती से क्या दे दी, अपनी कंसेंट दे दी। इन पांचों ही चीजों में आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, और कंसेंट फ्री नहीं है तो यानी कि क्या वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब इन पांचों एलिमेंट्स को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें कोर्शन। चलो, सेक्शन 15, ठीक है। अब ये भी याद रखना कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, कि अगर आपकी कंसेंट इन पांचों किसी भी चीज में फॉल हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है, वॉइड भी नहीं है। वॉइडेबल कैसे है, अभी हम सारे एग्जांपल्स में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब कोर्शन में देखो, तो फिर हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोर्शन, कोर्शन का मतलब क्या है, धमकी, थ्रेट, डराना, धमकाना, ठीक है। आप किसी को डराते या धमकाते किस बात पे हो, क्या कह के डरा सकते हो किसी को, मडा कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है, तेरे घर में आग लगा दूंगा, तेरी फैक्ट्री में आग लगा दूंगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऑफेंस करने की क्या देते हो आप, धमकी देते हो, ठीक है, कि यानी कि कोई ऐसा काम करने की बात आप कह रहे हो जो हमारे लॉ में क्या है, ऑफेंस माना गया है, ठीक है। तो वो सामने वाला इंसान उस चीज से क्या करेगा, डरेगा। तो कोर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहते हैं इट इज अ थ्रेट टू एक्ट, टू डू एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये वो वाला सीए वाला आईपीसी नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, इंडियन पीनल कोड। और इंडियन पीनल कोड में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सारे हमने किस चीज की लिस्ट दी है, ऑफेंसेस की लिस्ट दी है, ठीक है। तो अगर आप इंडियन पीनल कोड में लिखे गए किसी भी ऑफेंस को करने की धमकी देते हो, थ्रेट देते हो, तो फिर वो क्या है हमारी नजर में, कोर्शन है। कैसा प्रेशर है ये, यस, फिजिकल प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कहते हैं हो सकता है आप फोर्स इस्तेमाल करो या फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दो। भाई आपके बॉडी बिल्डर आपके सामने आ जाए, आपको कहे बेटा ये काम कर, आपका मन तो कह रहा है दू एक चुपा, कर पाओगे, वो 6.5 फुट का है, अब 5.5 फुट के हो, ठीक है। पहले तो ऐसे देखोगे भैया अगर इसका एक भी पड़ा तो मैं तो गया, तो यानी कि आपको पता है कि वो आपके अगेंस्ट क्या यूज कर सकता है, फोर्स यूज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या है आपके ऊपर प्रेशर है इस चीज का। अब कोर्शन में हम ये कहते हैं धमकी आपसे रिलेटेड भी दी जा सकती है और आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी दी जा सकती है। भाई तेरा मर्डर कर दूंगा, ये तो किसके अगेंस्ट थ्रेट है, आपके अगेंस्ट। और घर में आग लगा दूंगा किसके अगेंस्ट थ्रेट है, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो कोर्शन में हम कहते हैं थ्रेट जो है वो कैसी भी हो सकती है, पर्सन और प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि खराब करने का ही, खराब करने के लिए ही बोला जाए या सबोटाज करने के लिए बोला जाए, अगर जबरदस्ती किसी की कोई चीज अपने कब्जे में रख लो, डिटेंशन जिसे बोला जाता है, तो वो भी थ्रेट है या नहीं है। भाई आपकी मदर को भगवान ना करे, ऐसे एग्जांपल ले, ठीक है, मदर को किडनैप कर ले, किडनैपर ने फोन किया कि भाई 10 लाख रुपए दे दो नहीं तो फिर सोच लो, तो यहाँ पर वो क्या है, डिटेंशन है या नहीं है। और अगर इसी ढंग से अगर किसी ने आपकी फैक्ट्री में जबरदस्ती अंदर घुस के कब्जा कर लिया वगैरह, भैया इतने की फिरौती दो, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो, ये करो, तब तुम्हारी फैक्ट्री से निकलेंगे, तो वो किसकी डिटेंशन है,
प्रॉपर्टी की डिटेंशन है। तो यहाँ पर हम कहते हैं पर्सन और प्रॉपर्टी को सबोटाज अगर करोगे तो वो भी इंक्लूड है, और क्या इंक्लूड है, डिटेंशन ऑल्सो इंक्लूड्स डिटेंशन। डिटेंशन यानी कि फोर्सफुली किसी भी चीज को अपने कब्जे में करके रखना, ठीक है, उसे हम डिटेंशन बोलते हैं। तो दोनों ही तरीके के काम करने के लिए अगर कोई भी धमकी देता है तो वो किस में आएगा, कोर्जन में आएगा। अब इसमें केस आता है रंगनायक अम्मा वर्सेस, इतना बड़ा नाम है देखो, अलवर शेट्टी। नाम बोलेंगे एक बार, रंग नायक अम्मा, इसको तीन में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, रंग नायक अम्मा, तो रंग नायक अम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी। अब इसमें केस देखते हैं कि केस क्या था। अब इसमें एक विडो है, विडो मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, अब हस्बैंड की बॉडी क्लेम करके और उसका अंतिम संस्कार ये करना चाहती है। हस्बैंड की जो बॉडी है वो हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने डिटेन करके रख लिए, पेरेंट्स के पास है वो बॉडी। अब जब ये विडो है ये कह रही है कि भाई मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी मुझे दे दो, मुझे सारे रिचुअल्स करने हैं, तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम पहले एक बच्चा है उसे अडॉप्ट करो और उसके बाद ही तुम्हें ये बॉडी मिलेगी। अब एक्चुअली हस्बैंड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, अब पेरेंट्स को पता है कि भाई सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, विडो के पास चली जाएगी, वो नहीं चाहते कि विडो के पास जाए। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, इस विडो को उन्होंने बोला कि भैया तुम इस बच्चे को अडॉप्ट करो, ये बेटा होगा, बेटा होगा तो भैया प्रॉपर्टी इसको भी मिलेगी, और ये जो बेटा है ये इनके किसी रिलेटिव का बेटा है, ठीक है। अब विडो ने कहा भैया मैं क्यों अडॉप्ट करूं ऐसे, तो उन्होंने कहा भैया नहीं अडॉप्ट करोगे तो तुम्हें हस्बैंड की बॉडी भी नहीं मिलेगी। अब विडो ने कहा भैया रिचुअल्स तो करने ही है, तो शी अग्रीड, उसने कहा ठीक है मैं अडॉप्शन कर लेती हूँ। तो शी अडॉप्टेड दिस सन, इस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, फिर हस्बैंड की बॉडी लेके उन्होंने सब रिचुअल्स वगैरह कर दिए। जब सारे रिचुअल्स हो गए तो उसके बाद ये जो अडॉप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ये विडो क्या करना चाहती है, अवॉइड करना चाहती है, कैंसिल करवाना चाहती है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड ना माना जाए क्योंकि मेरी कंसेंट भी नहीं थी। हाँ जी, पूरे केस के फैक्ट सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? सबसे पहले विडो की कंसेंट फ्री है या नहीं है, क्यों नहीं है, धमकी दी गई उसको किस चीज की, डिटेंशन ऑफ डेड बॉडी। और डिटेंशन मैंने अभी बताया कि किसमें आता है आपका, कोर्जन में आता है, आईपीसी में है, आईपीसी में ऑफेंस माना गया है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि डिटेंशन करके डेड बॉडी को क्या दी गई थी, थ्रेट दी गई थी, तो यानी कि विडो की क्या नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं, और फ्री कंसेंट नहीं थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारी नजर में, वॉइडेबल। अब वॉइडेबल का मतलब मैंने पहले भी समझाया, फिर दोबारा से समझ लो एक बार। अब वॉइडेबल का मतलब है कि ये विडो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकती है और चाहे तो इसे कैंसिल कर सकती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया, भाई वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि भाई मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मेरे हस्बैंड की बॉडी को डिटेन किया गया था, मैंने तो इसलिए ये अडॉप्शन की थी, आप इस अडॉप्शन को क्या करो, कैंसिल करो। तो यानी कि विडो ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया, इसको कैंसिल करवाने का। दूसरा, विडो को ये भी तो लग सकता है भाई कितना प्यारा बच्चा है, चलो कोई नहीं मेरे साथ रह लेगा, क्या जाता है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अब ये विचार भी तो आ सकता है मन में, तो मे बी शी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दी अडॉप्शन, ये भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब उसने अडॉप्शन का काम किया था नो डाउट थ्रेट के कारण किया, धमकी के कारण किया, बट बाद में क्या हो गया, विचार बदल गया, नाउ शी वॉन्टेड टू कंटिन्यू विद दी कॉन्ट्रैक्ट।
अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करती है तो क्या कोर्ट या लॉ या कोई भी उसके पास पूछने आएगा कि आपने एडॉप्शन क्यों और कैसे की थी? नहीं की थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, वैलिड रहेगा। और अगर कैंसिल करा देती है तो क्या हो जाएगा? अग्रीड पार्टी कौन सी पार्टी है? बेचारी पार्टी, विडो है। जब अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड हो या फिर वॉइड हो, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? वॉइडेबल। यही पढ़ा था हमने जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। हाँ जी, याद है सबको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि विडो चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकती है, चाहे तो इसको कैंसिल कर सकती है। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है, क्लियर है? अब जैसे पता नहीं पीछे न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी, बिहार में ऐसा होता है शायद, मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो मतलब भाई किसी लड़की की शादी करनी होती है और अगर लड़का नहीं मिल रहा होता तो ग्रूम को किडनैप कर लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। उसमें से कहते हैं 70-75% शादियों में बाद में बॉय और गर्ल दोनों की सहमति भी हो जाती है, मतलब दे लिव हैप्पीली। ठीक है, तो शादी हुई तो कोर्शन के कारण, लड़के के यहाँ पे कनपटी पे बंदूक रखी कि चल बेटा फेरे ले, ठीक है। लेकिन चलो शादी हो गई तो सोशल प्रेशर में या कई बार वैसे भी लगता है चलो अब तो शादी हो गई, निभा ही लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कैंसिल किया, तो जिस लड़के को वहाँ पे अगवा किया कि भैया तुम शादी करो, उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे मैरिज का, भैया जबरदस्ती मेरे से शादी करवाई, या फिर दूसरा वो उस मैरिज को कंटिन्यू भी कर सकता है। तो यानी कि वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट फिर कैसा है? वॉइडेबल। वॉइडेबल याद रहेगा, ठीक है। चलो अब कोर्शन में एक केस और देखते हैं। ये तो क्या डिटेंशन ऑफ डेड बॉडी थी, मुथुआ वर्सेस मुथुकरप्पा, कड़प्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ठीक है चलो, लेकिन ये कड़प्पा नहीं है, ये करप्पा है, ठीक है चलो। तो मुथुआ वर्सेस मुथुकरप्पा, अब इस केस को भी फैक्ट जानते हैं कि क्या था। अब इसमें एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, प्रिंसिपल और एजेंट लास्ट क्लास में मैं समझा चुकी हूँ आपको कंसिडरेशन में, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के सारे अकाउंट्स किसके पास हैं? एजेंट के पास है। एजेंट ने प्रिंसिपल से कुछ उधार भी लिया हुआ है 2 लाख रुपए का, बड़ा ही चालू किस्म का एजेंट है। प्रिंसिपल बड़ा परेशान है इससे। प्रिंसिपल ने एक दिन ये डिसाइड किया कि भैया अब इसे मैं अपना एजेंट कंटिन्यू नहीं करूंगा। वो गया एजेंट के पास, उसने कहा भाई मेरे हिसाब किताब बही खाते जो भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो और मुझे तुम्हारे साथ फर्दर डीलिंग्स नहीं करनी है। अब एजेंट, मैंने अभी कहा ना, बड़ा ही डैश डैश किस्म का इंसान है। उसने बोला ठीक है सर जी, जैसा आप चाहें, आप मालिक लोग हैं। प्रिंसिपल को लगा यार ऐसे बड़ी आसानी से मान गया। एजेंट ने कहा हाँ जी सर, सारे बही खाते दे दूंगा, सारे अकाउंट दे दूंगा, मगर ये जो 2 लाख का उधार आपने मुझे दिया था ना, इसे वेव ऑफ कर दो। यानी कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे साथ? वेवर ऑफ लोन का। वेवर का क्या मतलब होता है? गिव अप करना, ठीक है। तो आपने मेरा ये लोन माफ कर दिया, ऐसा मुझे लिख के दे दो तो मैं आपको सारे अकाउंट्स क्या कर दूंगा? हैंड ओवर कर दूंगा। अब देखो लॉ ये कहता है कि एजेंट के पास जो भी अकाउंट्स होते हैं प्रिंसिपल के, वो प्रिंसिपल की अमानत होती है, ठीक है। एजेंट को उस पर कोई अधिकार होता नहीं है। ये अकाउंट जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रिंसिपल की। और अब अगर एजेंट नहीं दे रहा है, उसके सामने ये वाली शर्त रख रहा है, तो यानी कि ये इन अकाउंट्स को क्या कर रहा है? डिटेन कर रहा है। डिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? प्रिंसिपल की। अब उस समय तो प्रिंसिपल ने कहा कि भैया मेरे करोड़ों के अरबों के बही खाते हैं इसके पास, अभी तो 2 लाख रुपए का लोन क्या करो? वेव ऑफ करो। प्रिंसिपल ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया? साइन कर लिया। अपने सारे बही खाते लिए, अपने सारे अकाउंट्स लिए। जब सारा सामान उसके पास आ गया, उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए? कैंसिल किया जाए। हाँ जी, क्या प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है? इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है? वॉइडेबल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल चाहे तो इसे कंटिन्यू रखे, यानी कि वैलिड रखे, और मर्जी आए तो इसे क्या कर दे? कैंसिल कर दे। वैलिड या वॉइड,
किसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है? अग्री पार्टी कौन सी है? तो डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी भी क्या है? एक बहुत बड़ी थ्रेट है। ये बात समझ में आती है सबको? हाँ जी, कोर्जन समझ में आया सबको? व्हाट डू यू मीन बाय कोर्जन? थ्रेट है। थ्रेट किस चीज की? टू कमिट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड। अच्छा, इसे हम एक वर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, ड्यूरेस। देखो, ड्यूरेस जो है वो बेसिकली इंडियन लॉ का वर्ड नहीं है, ये एक इंग्लिश लॉ का वर्ड है। इसका मतलब भी कोर्जन ही है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस में वो प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करते। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी के साथ कुछ गड़बड़ की तो फिर वो कोर्जन में नहीं आता। वो ड्यूरेस में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज इंक्लूड करते हैं? थ्रेट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानों के अगेंस्ट अगर आप कोई थ्रेट दे रहे हो तब तो वो ड्यूरेस में आएगा, अदरवाइज वो ड्यूरेस में नहीं आएगा। तो डज नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्यूरेस और इसमें ये फर्क है। ड्यूरेस में एक फर्क और है। अब कोर्जन में देखो, हम कहते हैं धमकी आप दो, आप दिलवाओ, या आपसे इनडायरेक्टली मूव हो, धमकी होनी चाहिए। और अगर धमकी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका वर्टिबल हो जाएगा। यानी कि कोर्जन में हम कहते हैं, इन कोर्जन थ्रेट मस्ट बी थ्रेट मे बी बाय एनी पर्सन। ठीक है, जबकि ड्यूरस में हम कहते हैं मस्ट बी बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो डिफरेंस है कोर्जन में और ड्यूरेस में। ड्यूरेस में प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती, कोर्जन में क्या इंक्लूड होती है? प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, इंक्लूड प्रॉपर्टी। कोर्जन हम कहते हैं आप खुद दो, किसी के थ्रू दिलवा दो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, अपने सामने वाले को जान से मरने की धमकी नहीं दी है, लेकिन आपने उसके बेटे को मारने की धमकी दी है, तो भी तो वो किसमें है? कोर्जन में है। लेकिन ड्यूरेस में हम कहते हैं कि ड्यूरेस में प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी, और कौन देगा? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, तभी हम उसे ड्यूरेस मानेंगे, अदरवाइज हम उसे ड्यूरेस नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कोर्जन में रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा? यस, तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है, जरा बता दो। अच्छा, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। ठीक है, अब तो काफी हमने कॉन्ट्रैक्ट आज पढ़ लिया है अभी तक। हाँ जी, सबसे पीछे। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन? कॉन्ट्रैक्ट आज स्टार्टिंग से किया है ना, टाइम रेस्टिट्यूशन। हाँ जी, पीछे आगे। हाँ जी, रेस्टिट्यूशन साथ में। हाँ जी, आपसे पूछ रहे हो। हाँ, यस, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन? तुम्हारे पीछे। हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन? देखो, ऐसे तो फिर मैं पढ़ाती जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। रेस्टिट्यूशन इतना बड़ा केस लॉ मैंने आपको कराया था पूरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, माइनर में, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, पूरा रेस्टिट्यूशन का मतलब समझाया था मैंने आपको। पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे आएगा? ऐसे तो फिर बच्चे, फिर वही है कि एग्जाम में जाके फिर गालियां तो मुझे ही पड़ेंगी, मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। मैम को पढ़ाना नहीं आता, हमें तो अच्छे से पढ़ना आता, मैम को पढ़ाना नहीं आता। बच्चे, घर जाके जब तक नहीं पढ़ोगे सीए नहीं होगी, मैं आपको बार बार कह रही हूं। ना तो वहां पे फर्रे चलेंगे, ना वहां पे यारी दोस्ती चलेगी,
वहां पे फिर आपकी बुद्धि चलेगी और वो भी तब जब उस बुद्धि में कुछ डाला होगा आपने। फाउंडेशन के बच्चों को आधा कंपनी लोग मैंने करा दिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा लगभग लगभग आधा होने को आ गया है। आज से आपकी इंग्लिश वाली क्लासेस भी स्टार्ट है फाउंडेशन वालों की। कितना टाइम रह गया अब आपके एग्जाम में? अभी भी नहीं पढ़ना शुरू करोगे तो कब करोगे? जब आप मेरे पास पिछले साल आए थे कि भैया मई में पेपर है, तब तक समझ में आता था कि भाई चलो ठीक है अगर आप लोग सीरियस भी नहीं हो, लेकिन अभी भी सीरियस नहीं हो तो फिर पेपर नहीं पास होगा। मैं साफ साफ बता दूँ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी। ज्यादा नहीं, दिन के 2 घंटे भी घर जाके पढ़ लो, मगर पढ़ लो। जितना टीचर्स ने क्लास में कराया है एटलीस्ट उतना तो करो घर जाके। उतना भी नहीं करोगे तो पेपर कहाँ से पास होगा? तकिए के नीचे किताब रख के सो गए जी, भगवान की रात को सारा कट कॉपी पेस्ट कर देना तो वो नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, बुक उठा के, बुक्स है ना सबके पास, सब तो कौन पढ़ेगा उसे? क्लास के बाद मेरे पास कोई बच्चा प्रॉब्लम लेके नहीं आता, इसी से पता चल जाता है कि आप लोग नहीं पढ़ाई करते। और खासकर फाउंडेशन वाले जिन्हें सब्जेक्टिव पेपर है लिखना है, सीबीटी वाले तो फिर हो सकता है कि चलो क्लास में कुछ कुछ तो सुना था, लेकिन वो सुनने से ना फिर वो फिर नंबर जो है 91-92 पे रह जाते हैं। रेस्टिट्यूशन बड़ा ही सिंपल सा मैंने एक वर्ड पूछा था। अब अगली क्लासेस से मैं यही करूंगी, जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें बीच में मैं कुछ कुछ पूछूंगी और जिससे मेरा मन होगा उससे पूछूंगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन घर जाके पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे कान पकड़ के पढ़वाना पड़ेगा, तो दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। तो जस्ट बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दी क्वेश्चन फ्रॉम दी नेक्स्ट टाइम। अगली क्लास से सबको पढ़कर आना और जितना अभी तक किया है ना उसको पढ़ना शुरू कर दो। हाँ जी, रेस्टिट्यूशन ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना, वेरी गुड। और कुछ मतलब जो लिया दिया था एक दूसरे को वापस कर देना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। माइनर में मैंने पढ़ाया था कि माइनर के ऊपर रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है, जो लिया दिया था वो नहीं होता, माइनर को जो दे दिया वो भूल जाओ, लेकिन बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्या होता है, रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल होता है। कोर्जन में बताओ रेस्टिट्यूशन आपको क्या लगता है, एप्लीकेबल होगा या नहीं एप्लीकेबल होगा? होगा। जैसे ए ने बी से सारी प्रॉपर्टी डरा धमका के लिए और ए को पता है कि भैया कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ए ने क्या किया, इसमें 2 लाख रुपए दिखा दिए, हाँ भी मैंने पे किए। किसको? बी को पे किए, जबकि प्रॉपर्टी है 200 करोड़ की। अब बी कोर्ट में गया और उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, यानी कि वॉइड डिक्लेयर करवा दिया। अब ए और बी एक दूसरे को जो लिया दिया था वापस देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ए क्या वापस देगा? प्रॉपर्टी। बी क्या वापस देगा? 2 लाख। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि ए के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे, वो आपके इंडियन पीनल कोड में जो भी प्रोसीजर चलेगा सीआरपीसी में वो सब चलेगा, उसमें वो सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी। बट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों को क्या करना पड़ेगा, जो लिया दिया था एक दूसरे को वापस करना पड़ेगा, यानी कि कोर्जन में क्या अप्लाई होता है, इन कोर्जन रेस्टिट्यूशन अप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि कोर्जन में क्या एप्लीकेबल होगा, रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल होगा। यहां तक पहले मुझे बताओ कोर्जन में किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। अब एक प्रश्न और, साबित कौन करेगा कि गलत हुआ, धमकी थी? हाँ जी। हु वॉन्ट्स टू अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट, कौन अवॉइड करना चाहेगा? अग्रीड पार्टी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अ पार्टी हु वॉन्ट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, बस समझ में आती है? और यहां पर आपका कोर्जन क्या हो जाता है,
खत्म हो जाता है। एक बार सेक्शन बोल दो क्वेश्चन का, सेक्शन 15 क्या है? थ्रेट है, किस चीज की थ्रेट है? टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड। प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों इंक्लूडेड है? हाँ जी, दोनों चीजें इंक्लूड है। डिटेंशन इंक्लूड है पर्सन और प्रॉपर्टी की? यस, डिटेंशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दो केसेस हमने पढ़े, पहला कौन सा? रंगनायक अम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी, दूसरा मुत्वा वर्सेस मुत्तु करो। अब देखो, जो फाउंडेशन वाले बच्चे, देखो सीपीटी में तो बच्चे आपको केस लॉज नहीं लिखने हैं, बट फाउंडेशन वालों का क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको अगर केस का नाम याद है तो अपने आंसर में उसको लिख कर आना, ठीक है? और तीन चार लाइनों में आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, केस के बारे में, ठीक है? अच्छा, फाउंडेशन वालों के लिए मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ जो प्रॉपर सब्जेक्टिव पर ही होगा, क्योंकि अब आपको मुझे लिख के दिखाना है कि आप लिख कैसे रहे, ठीक है? सीपीटी वालों का तो वो एमसीक्यू वाला चलेगा, बट फाउंडेशन वालों के लिए नेक्स्ट वीक में, टुडे इज फ्राइडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है मैं टेस्ट अनाउंस कर रही हूँ। अभी तक जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितना अच्छे से लिख पाओगे या लिख पा रहे हो, ठीक है? तो एटलीस्ट मैं चेक करूंगी पेपर, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट फ्राइडे इंट्रोडक्शन से लेकर कंसीडरेशन तक का टेस्ट है, फाउंडेशन वालों का सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? फ्राइडे, चलो एमसीक्यूज वाले को जो चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। अब कोर्शन के बाद नेक्स्ट इसमें आता है अंडियो इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16। अब देखो, अंडियो इन्फ्लुएंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रेशर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे मॉरल प्रेशर है, इमोशनल अत्याचार है यहाँ पे। मतलब किसी ने बंदूक नहीं रखी, किसी ने किडनैप नहीं किया, किसी ने धमकी नहीं दी कि जी आग लगा दूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। सामने वाला ऐसी पोजिशन में है, ऐसे रिलेशनशिप में है आपके साथ कि आप ना चाहकर भी क्या कर रहे हो, उसकी बात को मान रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंडियू इन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी कि पहला पॉइंट, अनदर पर्सन कैन डोमिनेट, अनदर भी मत लिखो, वन पर्सन लिखो, या वन, हाँ वन ही ठीक है, वन पर्सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। What do you mean by dominate? हावी हो ना, है ना, बड़ा डोमिनेटिंग है, अपनी सारी बातें मनवाता है, ठीक है? तो यानी कि एक पर्सन इतना डोमिनेटिंग है कि वो जो कह रहा है वो आपको करना पड़ रहा है। अब क्या आप हर किसी से डोमिनेट हो जाओगे? हाँ जी, या सामने वाला आपके कुछ जानकारी में होगा तभी आप डोमिनेट होगे, जानकारी में होगा। अब देखो, सपोज करो आप क्लास से बाहर निकले, आपको एक आदमी मिला, भाई साहब 200 रुपये दे दो, हमें कहा नहीं है मेरे पास, उसने कहा भाई अभी छत से छलांग लगाऊंगा जाके, 200 रुपये दे दे, आप क्या बोलोगे? लगा दे भाई, कल लगा दे, आज लगा दे, अभी लगा दे, मैं खड़ा हूँ। हाँ, और वहीं पर अगर कोई आपका फ्रेंड हुआ जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि हाँ बेचारा परेशानी में भी है थोड़ा, उसने कहा भैया देख 200 रुपये दे दे, नहीं कभी छत से छलांग लगाऊंगा, तो आप क्या करोगे एकदम से? उसको भी बोल दोगे यार बेकार हो यार, उसको क्या करोगे? उसका आप बोलोगे नहीं नहीं भाई बाद में वापस कर दियो, ये ले 200 रुपये ले जा, कोई बात नहीं, ठीक है? यानी कि वो आपकी, आप देना नहीं चाहते थे 200 रुपये, फिर भी वो आपकी बिल्कुल डोमिनेट कर पाया, क्यों? क्योंकि वो आपके साथ क्या है, इन अ नियर रिलेशनशिप है, या तो फ्रेंड होगा या कोई रिलेटिव होगा या कोई फैमिली मेंबर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट भी तब कर पाता है जब क्या है, रिलेशन है। रिलेशन इज सच that one party is in a position to dominate the will of other. ठीक है जी, रिलेशन होना चाहिए। अब रिलेशन देखो किसी से किस तरीके का हो सकता है, हम कहते हैं तीन प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। देखो, प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन,
हम कहते हैं सामने वाले के पास तीन तरीके की अथॉरिटी हो सकती है, जब वो तीन तरीके की अथॉरिटी में होगा तभी आप क्या करोगे, उसकी बात मानोगे। पहली अथॉरिटी देखो, रियल और अपरेंट अथॉरिटी। अपरेंट मतलब जो दिखाई दे। दूसरा फिड्यूशरी अथॉरिटी, एंड थर्ड इज व्हेन वन पर्सन इज इनकैपेबल ड्यू टू मेंटल कैपेसिटी एज इलनेस डिपेंडेंट ऑन अदर। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं, पहले इसको नोट करो। देखो रियल और अपरेंट अथॉरिटी का मतलब है ऐसी अथॉरिटी जो आपको क्या करे, दिखाई दे। अब जैसे अभी मैंने फादर और सन का एग्जांपल दिया, फादर ने क्या बोला, भैया लड़की से शादी करनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो किस में जाएगी, ट्रस्ट में जाएगी। हाँ जी, फादर की यहाँ पे कैसी अथॉरिटी लग रही है? हाँ जी, रियल। आपके बॉस ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला, मना कर पाओगे? हाँ जी, ये सब लोग बॉस की कोई भी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, सर झुका के क्या करोगे, मानोगे। मन में कितने चल रहा हूँ, आए 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 इसको देख लूंगा, इसको तो कुत्ते काटे, इसको तो ये हो जाए, इसको तो वो हो जाए, मगर ऊपर करोगे, अरे अरे सर हाउ हैंडसम यू आर। हाँ जी, कोई और हुक्म, कोई और आदेश, ठीक है ना, बता प्रमोशन उसी ने देना है। तो अब यहाँ पर बॉस की आने की क्या है, रियल अथॉरिटी है, अपरेंट अथॉरिटी है। रियल और अपरेंट अथॉरिटी में जब कोई पर्सन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो आपकी विल को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा ही करेगा। अब जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं रियल और अपरेंट अथॉरिटी में, आपकी जॉब लगी, नौकरी लगी, सैलरी भी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपने सोचा कि भाई एक बड़ा सा टीवी जो है वो लेके सामने सोफा लगा के और अच्छे से आराम से सनी लियोनी की मूवी देखेंगे, ठीक है जी। अब पहली सैलरी मिली, अब सैलरी मिली, आपने बड़ा सा बढ़िया सा सोफा खरीदा, ठीक है, टीवी में थोड़ा सा आपने कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा पापा ने भी कंट्रीब्यूट किया, मूवी सब नहीं देखनी है, ठीक है। अब भाई टीवी लग गया, सोफा लग गया, ठीक है, अब मोहल्ले में मिठाई भी बढ़ गई कि भाई चलो जी इतना अच्छा सोफा आया है, इतना सब कुछ आपने खरीदा है। अब मिस्टर ए जिनकी नौकरी लगी है, जिन्होंने ये सोफा खरीदा है, टीवी खरीदा है, उनका मन हो रहा है थोड़ा ऑफिस में भी तो अपना रौब दिखाएं, ये देखो मेरे घर में क्या क्या चीजें हैं। तो ही इन्वाइटेड हिज बॉस, अपने बॉस को उन्होंने इन्वाइट किया डिनर पे, बॉस आए, बीवी भी साथ में आई, चिंटू मिंटू भी साथ में आए, चिंटू मिंटू खूब कूदे सोफे पे, पापा बड़ा अच्छा सोफा है, बड़ा अच्छा सोफा है। अब जब डिनर विनर हो गया, बॉस साहब वापस जा रहे थे, तो बॉस ने धीरे से मिस्टर ए को बोला, बहुत बढ़िया सोफा, बहुत बढ़िया टीवी, वेरी गुड वेरी गुड। अब मिस्टर ए अगले दिन ऑफिस आए तो बॉस ने केबिन में बुलाया, कॉफी वॉफी पिलाई, चाय वाय पिलाई, बिस्किट भी खिलाए ब्रिटानिया के। मिस्टर ए ने, ये तो मेरे सोफे का ही वट है। देखो बॉस भी इम्प्रेस हो गए, बॉस ने कहा भैया बहुत बढ़िया सोफा, बहुत बढ़िया टीवी। मिस्टर ए खुश हो रहे, मन लड्डू फूट रहे, कैडबरी वाले गोल गोल खूब कर। अब यहाँ पर बॉस ने फिर थोड़ी देर बाद बोला, यार तेरी भाभी की एक बड़ी इच्छा है। मिस्टर ने बोला, हाँ क्या इच्छा है? तेरा सोफा बड़ा पसंद आया। हाँ हाँ जी सर, मेरी चॉइस है, ऐसी क्या बात है। बॉस ने कहा, देख बीवी की बात तो माननी पड़ेगी, तेरी भी भाभी है, मेरी बीवी है, तो क्या करे, बात तो माननी पड़ेगी, ऐसा कर तू अपना सोफा मुझे बेच दे। ए, अब जो मन में लड्डू फूट रहे थे वो फूटना रुक गया और अब आंसू निकलने वाली बारी आ गई। सर बेच दू? बॉस ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रश मत होना, बिल्कुल भी नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ
रुपए में मुझे अपना सोफा खरीद बेच दो। मिस्टर ए ने ये सोफा पूरे 55,000 रुपए में खरीदा है, न्यू ब्रांड सोफा। और बॉस ने क्या बोला, कितने में बेच दे? 5,000 में बेच दे। अब यहाँ पर मिस्टर ए बेचारे बड़े ही असमंजस में, बड़े ही डिलेमा में, बड़े ही कंफ्यूजन में। व्हाट शुड ही डू? देखो दो ऑप्शन है, टेबल पे गर्म कॉफी रखी है, कप उठाए, बॉस के मुंह पे मारे, गेट लॉस्ट बोले और बाहर आ जाए, नौकरी भी गई, पक्की बात है। या फिर दूसरा, सैलरी अगले महीने आ जाएगी, फिर से सोफा खरीद लूंगा, कोई बात नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, ये सोचे, बॉस की बात मान लो, सैलरी तो अगले महीने फिर मिल जाएगी, फिर सोफा खरीद लूंगा। नौकरी गई तो जो छोकरी अभी पास में है वो भी पता नहीं बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, उससे भी नहीं ब्रेकअप ना हो जाए। अब मिस्टर ए के पास ये जो दो ऑप्शंस है, व्हाट ऑप्शन शुड ही ऑप्ट, या वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल इंसान क्या करेगा? सेकेंड ऑप्शन। ना चाहते हुए भी मिस्टर ए बॉस को क्या करेंगे, सोफा बेचेंगे। यानी कि बॉस यहाँ पे कैसी अथॉरिटी में है, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। बात समझ में आती है, रियल और अपरेंट अथॉरिटी में है बॉस, तो लॉ भी ये प्रिज्यूम करके चलता है। देखो पर वर्ड मैंने क्या लिखा है, प्रिजम्प्शन। जब भी कोई पर्सन रियल और अपरेंट अथॉरिटी में होता है तो लॉ भी प्रिज्यूम करता है कि भाई हाँ ये पर्सन इस पोजीशन में है कि ये क्या कर सकता है, अपने जूनियर की विल को डोमिनेट कर सकता है। तो जैसे ही मिस्टर ए कोर्ट में जाएंगे और वो बोलेंगे सर बॉस है, वैसे ही कोर्ट क्या मान लेगा, सर बॉस है बेटा, फिर तो इससे अपनी चलाई होगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल आ जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉटएवर, क्योंकि मिस्टर ए की क्या नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। मॉरल प्रेशर था उनके ऊपर, मेंटल प्रेशर था, और ये मेंटल प्रेशर किस लिए था, क्योंकि किसने बात बोली थी, बॉस ने, और क्यों, क्योंकि बॉस के पास क्या थी, रियल और अपरेंट अथॉरिटी। तो अंडियो इन्फ्लुएंस में थ्रेट नहीं है, कोर्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, एक मेंटल प्रेशर। और ये प्रेशर कब आएगा, जब सामने वाला किसी अथॉरिटी में होगा। पहली बात समझ में आई, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, प्रिजम्पशन है, लॉ मान के चलता है कि जो ऐसी अथॉरिटी में है वो क्या कर सकता है, विल को डोमिनेट कर ही सकता है। दूसरा देखो, कैसी अथॉरिटी, फिड्यूशियरी। व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशियरी, फेथ, भरोसा। आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हो और वो आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाए, आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं। लेकिन जब आप उस पर भरोसा करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी हर बात मानते हो, वो आपके माइंड को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो तब लॉ फिर से ये प्रिज्यूम करता है कि अगर आप किसी पे फेथ कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी विल को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। इसमें भी एग्जाम्पल देखते हैं, फिड्यूशरी अथॉरिटी में। अब एक मिस्टर रामलाल है, इनके एक बाबा जी है, ठीक है। अब ये जो बाबा जी हैं, ये गुरु हैं और ये चेले हैं। रामलाल जी बाबा जी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, यही मेरे भगवान, यही मेरे फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड, सब कुछ यही। अब बाबा जी ने एक दिन रामलाल जी को कहा, बेटा ये तो सब मोह माया मिथ्या है, पृथ्वी रहने लायक कहाँ है, स्वर्ग ही है बस, जो कुछ है वहीं पे मोक्ष है। तो रामलाल जी ने पूछा, बाबा जी स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा हवन करने पड़ेंगे, देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, और फिर बुकिंग हो जाती है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, मैं स्वर्ग में तेरी बुकिंग करा दूंगा, चिंता ना कर। अब रामलाल जी ने कहा कि कितने का खर्चा पानी आएगा? बाबा जी ने कहा ज्यादा का नहीं, सिर्फ 50 करोड़ का। रामलाल जी के पास 50 करोड़ की ज्यादा दूरी है। रामलाल जी ने कहा, बाबा जी वैसे ही कह रहे हैं सब मोह माया मिथ्या, चलो जी छोड़ो, ठीक है, और स्वर्ग में सीट पक्की हो रही है 50 करोड़ में, वो भी बाबा जी कह रहे हैं कि अभी तो डिस्काउंट में मिल रही है, बाद में तो 100 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है। अब बाबा जी ने हवन करने शुरू कर दिए, और रामलाल जी ने पहले ही हवन पे क्या दे दी, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, बाबा जी के।
जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, बाबा जी के तो रंग ढंग ही बदल गए। कहाँ तो पहले धोती पहनते थे, अब डेनिम्स में गॉगल्स लगा रखी है, कैप पहन रखी है। अभी तक तो स्वर्ग की अप्सराओं की बात करते थे, अभी तो जमीन पे उनके आसपास अप्सराएं दिख रही है। अब रामलाल जी की आंखें खुली, चक्षु खुले कि भैया ये क्या हो गया। अब उन्हें पता चला कि बाबा जी ने उनके विश्वास का क्या किया, विश्वासघात किया। ठीक है, तो यहाँ पर रामलाल जी ने ये जो भी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या आप कह सकते हैं कि उनकी कंसेंट फ्री थी? हाँ जी नहीं, उनकी कंसेंट किसमें थी? अनड्यू इन्फ्लुएंस में थी। और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस किसने किया था? बाबा जी ने। और वो कर सकते थे क्योंकि बाबा जी कैसी अथॉरिटी में थे? फिड्यूशरी अथॉरिटी। तो यहां पर भी लॉ प्रिज्यूम करता है कि अगर कोई पर्सन फिड्यूशरी अथॉरिटी में है तो वो पहले वाले पर्सन की क्या कर सकता है? बिल्कुल डोमिनेट कर सकता है। ये बात समझ में आती है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस हुआ? अब तीसरी अथॉरिटी देखो, ये दो समझ में आई, पहली कौन सी रियल और अपरेंट, और दूसरी कौन सी फिड्यूशरी। थर्ड देखो, मेंटल इनकैपेसिटी, एज और इलनेस। ठीक है, अब मेंटल इनकैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बेचारा व्यक्ति बड़ा बूढ़ा है, बीमार है, या दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है और वो किसी पे डिपेंडेंट है, तो जिस पे वो डिपेंडेंट है वो पर्सन उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, एक सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। तो लॉ भी यही कहता है कि भाई हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि अगर आपकी किसी पे डिपेंडेंस है तो वो पर्सन आपको बिल्कुल डोमिनेट कर सकता है। जैसे सपोज करो मिसेज एक्स है, शी इज 75 इयर्स ओल्ड, 75 साल की है, इनकी देखभाल एक मिस्टर ए कर रहे हैं। अब मिसेज एक्स को पता है कि अगर ए ने मेरी देखभाल नहीं की तो मुझे देखने वाला संभालने वाला कोई नहीं है, फिर तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मिसेज एक्स के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के नाम पे ट्रांसफर की है। जैसे ये ट्रांसफर हुई सारी प्रॉपर्टी, कुछ दिनों बाद बेटे आ गए मिसेज एक्स के, जो अभी तक कभी झांकते भी नहीं थे, आते भी नहीं थे, विदेश में ही रहते थे। उन्होंने बोला कि भैया ये जो है तो मिस्टर ए ने जो है ये गड़बड़ की है, हमारी मदर को बनाया फुसलाया है, अंडी इन्फ्लुएंस किया। अब मिसेज एक्स भी कह रही है हाँ भाई मिस्टर ए ने मुझे अंडी इन्फ्लुएंस किया था, मैंने तो इसलिए प्रॉपर्टी दे दी, वरना मैं सारी प्रॉपर्टी थोड़ी ना देती। अब अगर मिसेज एक्स कोर्ट में जाती है तो क्या प्रिजम्पशन होगी हमारी? हाँ जी, डोमिनेशन ऑफ विल की क्या करेंगे हम? प्रिजम्पशन करेंगे, क्योंकि मिस्टर ए पे मिसेज एक्स क्या थी? डिपेंडेंट थी। और जब भी आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो लॉ क्या प्रिज्यूम करता है? कि मिस्टर ए के पास अथॉरिटी थी टू डोमिनेट दी। ये बात समझ में आती है सबको? क्लियर है? तो यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा हो जाएगा? रियल और अपरेंट अथॉरिटी होगी, फिड्यूशरी होगी, और तीसरी कौन सी होगी? मेंटल इनकैपेसिटी, एज और इलनेस। रियल और अपरेंट में बॉस और सबॉर्डिनेट हो गए आपके, पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक हो गई। इस तरीके से हम किसकी बात करते हैं? रियल और अपरेंट की। फिड्यूशरी में बताओ क्या रिलेशनशिप्स आएंगे? डॉक्टर पेशेंट, एडवोकेट क्लाइंट, ये सारे क्या हैं आपके? फेथ के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? आपके फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। और इन तीनों में ही क्या रहेगी? लॉ की प्रिजम्पशन रहेगी, यानी कि अग्रीव पार्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कहेगा ना मेरा बॉस है, कोर्ट मान लेगा। जैसे वो कहेगा ना मेरा डॉक्टर है, कोर्ट मान लेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम ये कहते हैं तीन रिलेशनशिप ऐसे हैं जहां पे प्रिजम्पशन नहीं है। नो प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल। नो प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल। ये तीन रिलेशनशिप देखो कौन कौन से हैं। पहला हस्बैंड एंड वाइफ। लोग कहते हैं भैया यहां तो जानना ही बड़ा मुश्किल है कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। दूसरा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट।
and third is creditor and debtor. देखो no presumption of domination of will का मतलब है कि कोर्ट मान के नहीं चलेगा कि भाई आपकी विल को डोमिनेट किया गया, तो यहाँ पर अग्रीव पार्टी को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा. जहाँ प्रिजम्पशन थी वहां पे अग्रीव पार्टी को सिर्फ बताना था कि भैया ये रिलेशनशिप है और ऐसे ऐसे हुए, कोर्ट अपने आप मान लेता था. लेकिन यहाँ पे जहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं है, अग्रीव पार्टी को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये पर्सन ऐसी अथॉरिटी में है कि इसने विल को डोमिनेट किया, और सिर्फ प्रिजम्पशन में नहीं वाकई इसने ऐसा किया भी. सिर्फ ऐसी प्लेस पे नहीं है कि हाँ मेरी विल डोमिनेट कर सकता था, वाकई इसने किया भी. यानी कि यहाँ पे किसको साबित करना पड़ेगा, वीकर पार्टी हैज टू प्रूव. वहां पे हम कहते हैं वीकर पार्टी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताना है. लेकिन जहां पे प्रिजम्पशन नहीं है वहां पे वीकर पार्टी को क्या करना है, प्रूव करना है. और क्या प्रूव करना पड़ेगा बताओ, पहला पॉइंट क्या प्रूव करना पड़ेगा, अदर पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट. और दूसरा सिर्फ पोजीशन में नहीं था, वाकई उसने ऐसा किया भी. तो पहला पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, अदर पार्टी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट. और दूसरा अदर पार्टी एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस. और ट्रांजैक्शन कैसी थी, अनकंसाइनेबल. अनकंसाइनेबल का क्या मतलब है, अनरीजनेबल. 55,000 का सोफा 5,000 में खरीदा, आपको ट्रांजैक्शन रीजनेबल लगती है क्या? ट्रांजैक्शन कैसी है, अनरीजनेबल यानी कि अनकंसाइनेबल. ये तीनों चीजें वीकर पार्टी को क्या करनी पड़ेंगी, प्रूव करनी पड़ेगी. ट्रांजैक्शन इज अनकंसाइनेबल. अच्छा इसमें छोटा सा एग्जांपल है, आप मुझे बताना कि अंडी इन्फ्लुएंस है या नहीं है. ठीक है, दो एग्जांपल्स एक एक करके लेते हैं आपके सामने. पहला, अभी मैंने ये बताया ना कि प्रेजम्पशन नहीं है, क्रेडिटर और डेटर प्रेजम्पशन की कैटेगरी से बाहर है. वीकर पार्टी हैज टू प्रूव. अच्छा अब सपोज करो एक मिस्टर एक्स है, इन्हें कुछ लोन चाहिए. कितने का लोन ले, 25 लाख का ले लेते हैं छोटा मोटा. ठीक है चलो, अब मिस्टर एक्स लोन लेने गए मार्केट में, कई बैंक्स को इन्होंने अप्रोच किया, मुथूट फाइनेंस को भी उन्होंने अप्रोच किया, पर उन्हें लोन मिला नहीं. मार्केट बड़ी स्ट्रिंजेंट है, लोन मिल नहीं रहा है. मिस्टर एक्स ने एक मिस्टर वाई से मिले. मिस्टर वाई ने कहा भाई ठीक है मैं तुम्हें लोन दे दूंगा 25 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याज जो है वो 25% का लगेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने क्या बताया, 25% पर एनम. ऐसे नॉर्मल परसेंटेज कितनी होती है, 9%, 10%, 12%. ठीक है, अब 25% उन्होंने माना. अब मिस्टर एक्स ने पहले तो सोचा भैया क्या करूं, लूं नहीं लूं. तो उन्होंने कहा पैसे की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई बात नहीं. एंड ही अग्रीड एंड ही टुक द लोन एट द रेट ऑफ 25% पर एनम. जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा मिल गया, तो मिस्टर एक्स ने कहा नहीं नहीं भाई 25% पे तो मैं नहीं दूंगा ब्याज. मिस्टर एक्स को दूसरी जगह से मिस्टर जेड से ऑफर आ गया कि ठीक है तुम मुझसे लोन ले जाओ एट द रेट ऑफ 12%. अब मिस्टर एक्स इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं. हाँ जी, क्या मिस्टर एक्स ये कह सकते हैं कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा? पहली बात, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, डेटर और क्रेडिटर में प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन है, प्रिजम्पशन तो नहीं है. तो यानी कि वीकर पार्टी मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ. हाँ जी, क्या यहाँ पर फैक्ट्स को देखते हुए आपको लगता है कि मिस्टर वाई ने उनपे अंडी इन्फ्लुएंस किया? क्या 25% पे लोन देना अंडी इन्फ्लुएंस करना है? नहीं भाई, उन्होंने कहा था 25% लूंगा, आपको नहीं पसंद था तो आप मत लेते. उन्होंने कोई आपको प्रेशराइज थोड़ी ना किया था कि आप ट्रांजैक्शन में एंटर हुई, आप कॉन्ट्रैक्ट कर हुई. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, देयर इज नो
अनड्यू इन्फ्लुएंस। जहां आपकी चॉइस है वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। ये तो आपकी मजबूरी थी कि आपको पैसा चाहिए था, कहीं से नहीं मिल रही है तो ठीक है आपने 25% पे लिया, लेकिन 25% के लिए मिस्टर वाई ने आपको डोमिनेट नहीं किया। इट्स अ फ्री मार्केट ट्रांजैक्शन, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ये डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आती है सबको? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आपके सीपीटी में आ चुका है क्वेश्चन। चलो, एक हस्बैंड है एक वाइफ है। अब वाइफ के पास बड़ी प्रॉपर्टी है 5000 करोड़, ठीक है, लेकिन थोड़ी कंजूस भी है वाइफ। अपने हस्बैंड को मंथली मेंटेनेंस देती है 5000 रुपये, पॉकेट मनी, ठीक है, मैं इसी में काम चलाओ, तुम करते वरते तो कुछ हो नहीं, निठल्ले हो तुम एक नंबर के, तो तुम 5000 पॉकेट मनी लो और आश करो। अब हस्बैंड को बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, और हर वक्त वाइफ से ही पैसे मांगते रहो, 5000 की पॉकेट मनी तो बच्चों को मिलती है आजकल, मेरे 5000 में खर्चे कैसे चलेंगे, खुद तो मर्सिडीज में घूमती है, मैं कहता हूँ तो कहती है कि जाओ बस में जाओ 5 रुपये के किराए पे। अब हस्बैंड एक दिन बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, नहीं भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, तो ही वेंट टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के पास गया, उससे बोला कि तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो और तुम उससे मेंटेनेंस लो। वाइफ ने पहले तो ऐसे देखा, दिमाग खराब हो गया, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है तुम्हें क्या दे दूँ, तुम करा लो अपने आप। अब हस्बैंड ने कहा मुझे नहीं पता, अगर तुमने ये सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी तो मैं अभी सुसाइड करता हूँ। वाइफ ने कहा जाओ कर लो। हस्बैंड ने कहा देखो मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सही में कर लूंगा। हाँ जा जा ठीक है कर लो। अब हस्बैंड ने क्या किया, अपने आप को किचन में लॉक किया, प्रॉपर फिल्मी सीन चल रहा है, अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का। मुझे पता नहीं आजकल के सारे घरों में मिट्टी के तेल कहाँ जाते हैं, खासकर जब किसी ने सुसाइड करना होता है, वो भी इतनी बड़ी केन, ठीक है, स्टोव कब के चलेगा लेकिन कैरोसिन मिलेगा पक्की बात है, ठीक है, तो कैरोसिन की वो वाइट वाली बड़ी वाली केन होती है ना, पूरी पूरी अपने ऊपर छिड़क ली। नौकरों ने शोर बजाया, मेम साहब देखो साथ क्या कर रहे हैं, तो मेम साहब भी आई भागी भागी। अब किचन में तो खिड़की जरूर होती है और किचन की खिड़की से ही सब कुछ देखता है कि अंदर क्या हो रहा है। वाइफ ने भी देखा कि हस्बैंड ने पूरी बॉटल जो है अपने ऊपर कैरोसिन की डाल ली है। वाइफ कह रही नहीं नहीं ऐसे मत करो ऐसे मत करो। हस्बैंड माचिस की तिल्ली लेके जल नहीं रही है, माचिस की तिल्ली, ठीक है, वैसे हमेशा एक बार में चलती है, जल नहीं रही है। अब माचिस की तिल्ली से वो लगा हुआ है कि हाँ मैं अपने आप को जला लूंगा। वाइफ चिल्ला रही है नहीं 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 मत करो। हस्बैंड ने कहा देखो आखिरी मौका देता हूँ, बताओ प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगी, सोच लो इतनी सारी ड्रेसेस है तुम्हारी कबड़ में, अगर विडो हो गई तो एक भी नहीं पहन पाऊंगी, सारी कलरफुल ड्रेसेस है। वाइफ ने कहा नहीं यार हस्बैंड को कुछ हो गया तो क्या बोलूंगी। वाइफ ने बोला ठीक है मैं सारी प्रॉपर्टी क्या करती हूँ, तुम्हारे नाम करती हूँ। हस्बैंड ने फटाक से जेब से कागज निकाले और फेंके खिड़की की तरफ, खिड़की के सही वाइफ के हाथ में, और हस्बैंड वहीं से चिल्लाया साइन करो और वापस फेंको। वाइफ ने फटाफट रोते धोते जो है पेपर साइन किए और दोबारा से अंदर डाल दिए। देखो हस्बैंड पूरा केरोसिन में फेंक गया, पेपर सही सलामत, ठीक है। अब पेपर साइन हो गए, डॉक्यूमेंट साइन हो गए, सब कुछ, वाइफ ने एकदम से रोते धोते सारी प्रॉपर्टी दे दी, हस्बैंड एकदम खुश, माचिस की तिल्ली जली ही नहीं पूरे टाइम, ठीक है, हस्बैंड बाहर आ गया। अब प्रॉपर्टी तो हो चुकी ट्रांसफर। अब यहाँ पर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, हस्बैंड बाहर आ चुका है, वाइफ ने पहले तो लगाए दो, कैसे कैसे काम करते हो, ठीक है। अब उसके बाद वाइफ ने सोचा यार ऐसे तो मैं सारी प्रॉपर्टी दे नहीं सकती इनको। अब वाइफ जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहती है, यानी कि वॉइड डिक्लेयर कराना चाहती है। पहला क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है, वैलिड वॉइड वॉइडेबल? वॉइडेबल, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है, ये हमें समझ में आता है, वाइफ की फ्री कंसेंट नहीं है। दूसरा, फ्री कंसेंट क्यों नहीं है, क्या है, अंडी इन्फ्लुएंस है, कोर्जन है, क्या है? यस, कोर्जन है या अंडी इन्फ्लुएंस है? कोर्जन है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो सिर्फ रिलेशनशिप है इसलिए ही हम इसे अंडी इन्फ्लुएंस नहीं मान लेंगे, क्योंकि थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्या है, ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्यों वॉइडेबल है? क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है, और फ्री कंसेंट क्यों नहीं है, ड्यू टू कोर्शन। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आती है सबको?
क्लियर है। चलो लास्ट अंडी इन्फ्लुएंस में एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज पर्दा नशीब वुमन। ये नोट हो गया, हटा दूं? ठीक है। देखो पर्दा नशीब वुमन हम कहते हैं कि जनरली वो लेडीज है, वो फीमेल्स हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, यानी कि लिटरेसी रेट उनका बहुत ज्यादा नहीं है, और ज़्यादातर वो सोशली कट ऑफ भी रहती हैं बाकी सोसाइटी से, और हमेशा पर्दे के पीछे से ही बात करेंगी, सामने नहीं आएंगी। तो हम कहते हैं कि ऐसे लेडीज़ के साथ अपनी कोई भी टर्म्स मनवाना जो है वो बहुत आसान है, उन्हें अंडी इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। देखो पर्दा नशीब वुमन अभी मैंने बताया, यानी कि बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, यानी कि लॉ ये कहता है कि उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ कहते हैं कि ऐसा नहीं, हम कह रहे कि भैया पर्दा नशीब वुमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही मत करो, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर इन्होंने ये कह दिया ना कि भाई मेरे साथ अंडी इन्फ्लुएंस हुआ है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो यानी कि अगर पर्दा नशीब वुमन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और कल को ये वुमन कह देती है कि भाई मेरे साथ अंडी इन्फ्लुएंस हुआ, तो जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है उसे तीन बातें क्या करनी पड़ेंगी, प्रूफ करनी पड़ेंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स है, क्या नाम ले कोई भी, मिसेस वाई ले लेते हैं। ठीक है, मिसेस वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मिसेस वाई इज पर्दा नशीब वुमन, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मिसेस वाई का ये कहना है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, अंडी इन्फ्लुएंस। कोर्ट तो मान लेगा अंडी इन्फ्लुएंस हुआ है, वीकर पार्टी कौन सी है मिसेस वाई, स्ट्रॉन्गर पार्टी कौन सी है मिस्टर एक्स। अब अगर मिस्टर एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को बचाना चाहते हैं तो ही हैज टू प्रूव थ्री थिंग्स। पहला हमें ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने मिसेज वाई को सारी टर्म्स अच्छे से समझाई थी, उन्हें पूरा टाइम दिया था मैंने सोचने समझने के लिए, और तीसरा उन्होंने अपने सारे फैमिली मेंबर से इसको डिस्कस करने के बाद ही मेरे साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये तीन बातें अगर मिस्टर एक्स साबित कर देंगे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बचा पाएंगे, अदरवाइज वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बचा पाएंगे। वो तीन चीजें देखो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन, ऑल दी टर्म्स, ऐसे मत लिखना, चलो ठीक, एंड मेड फुल डिस्क्लोजर, मैंने सब कुछ बताया था। दूसरा उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझ भी लिया था, शी अंडरस्टूड दी कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड शी वॉज इन रिसीट ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस। ये तीन चीजें अगर मिस्टर एक्स साबित करेंगे तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होने से बचा पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइडेबल है, वैलिड भी हो सकता है और वर्डेबल भी, एट द ऑप्शन ऑफ मिसेस वाई। ठीक है, लेकिन अगर मिस्टर एक्स चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिसेस वाई के कहने पर वॉइड ना हो तो ही हैज टू प्रूव थ्री। ये बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस मैंने करा दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बीच में कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में अगर हम डिफरेंस करें, छोटा सा पॉइंट है उसको भी कर लेते हैं साथ के साथ। ये नोट हो गया सबका, हो गया ना सबका नोट, कर लो नोट कर लो इसका।
योग्य ना। चलो एक तरफ ले लेते हैं हम कोजन और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ जी बताओ क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। कोर्जन में पार्टी रिलेटेड भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई रिलेशनशिप हो। धमकी तो आप किसी को भी दे सकते हो। डकैती कैसे होती है? रिश्तेदारी में थोड़ी ना डकैती होती है। यदि अपने रिश्तेदार को ही लूटेंगे ठीक है, अननोन के साथ ही डकैती होती है। तो वहां पे क्या है? कोर्जन है। तो कोर्जन में हम कहते हैं पार्टी रिलेटेड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पार्टी मे और मे नॉट रिलेटेड। जबकि अंडी इन्फ्लुएंस में हमेशा पार्टीज क्या होंगी? रिलेटेड ही होंगी, तभी डोमिनेशन पॉसिबल है। अदरवाइज डोमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्ट्रेंजर आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है। दूसरा कोर्जन में क्या है? थ्रेट है। अंडी इन्फ्लुएंस में क्या है? यस डोमिनेशन और विल है। यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ पे डोमिनेशन और विल है। कोर्जन में फिजिकल प्रेशर है, बॉडीली इंजरी है या बॉडीली इंजरी करने की थ्रेट है, फिजिकल प्रेशर। और अंडी इन्फ्लुएंस में कैसा प्रेशर है? मॉरल प्रेशर है। कोर्जन में क्या किसी भी तरीके की प्रिजम्पशन है? जैसे अंडी इन्फ्लुएंस में तो हमने पढ़ा ना प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल, कोर्जन में ऐसी कोई प्रिजम्पशन है? नहीं है। यानी कि नो प्रिजम्पशन बाय लॉ, पार्टी हैज टू प्रूव। नो प्रिजम्पशन। जबकि अंडी इन्फ्लुएंस में क्या है? देयर आर प्रिजम्पशंस। स्ट्रॉन्गर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है, वीकर पार्टी को कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता है। कोर्जन कहां पे पनिशेबल है? आईपीसी में। अंडी इन्फ्लुएंस पनिशेबल है? नहीं है। हिंदुस्तान में तो रोज की बात है अंडी इन्फ्लुएंस। कभी मम्मी अंडी इन्फ्लुएंस करती है, कभी पापा अंडी इन्फ्लुएंस करते हैं। सुबह सुबह सर्दियों में मम्मी उठाएंगी, बेटा दूध ला दे, ब्रेड ला दे, फिर आप मना करोगे तो हाँ देखो अभी यही दिन देखने रह गए, अब तो बच्चे भी नहीं सुनते, मेरी तो तबीयत भी खराब हो रही है, मुझे ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा मम्मी ठीक है जाता हूँ। तो अंडी इन्फ्लुएंस तो बड़ी आम बात है हिंदुस्तान में, अगर इसको पिनलाइज कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दिस इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, नो क्रिमिनल लाइबिलिटी। यहाँ पे कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्जन एंड अंडू इन्फ्लुएंस। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? और यहाँ पे कोर्जन और अंडू इन्फ्लुएंस जो है वो हमारा ओवर हो जाता है। ठीक है, एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो आज फ्री कंसेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फ्री कंसेंट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट? देयर शुड बी कंसेंट एंड कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट को सेक्शन 13 में हमने डिफाइन किया, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और इसे हम क्या बोलते हैं? कंसेंसस एंड आइडम। फिर हमने पढ़ा कि फ्री कंसेंट का क्या मतलब है। सेक्शन 14 कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉस्ड बाय कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोर्जन का क्या मतलब है? इन सिंपल वर्ड्स कोर्जन मींस फोर्सिबली कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, गन पॉइंट पे किसी से कुछ भी काम कराओगे तो फिर वो क्या है? दैट इज कोर्जन। ठीक है, बेचारे ने मांगी भी तो क्या नौकरी। चलो तो कोर्जन की डेफिनेशन क्या है? कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। यही दो चीजें मैंने कराई थी, या तो आईपीसी में प्रोहिबिटेड एक्ट करने की धमकी दो, या फिर किसी की प्रॉपर्टी डिटेन कर लो, या प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी दे दो। तो दोनों ही क्या है कोर्जन में? टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। ठीक है,
किसी से गन पॉइंट पे ज्वेलरी ले ली, कुछ सामान ले लिया, तो वो क्या है, वो कोर्शन है। फिर हमने केस पढ़ा था रंगनाया कम्मा वर्सेस अल्बर्ट शेट्टी। A Hindu girl of 13 years who had just lost her husband was forced to adopt a boy of their choice by her relatives who refuses to remove the dead body of her husband. यही केस हमने पढ़ा था। तो डिटेंशन ऑफ डेड बॉडी क्या है हमारे लिए? कोर्शन है, ठीक है। फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, इसमें हमने ये केस पढ़ा था मुथुआ वर्सेस मुथु करूपा। तो एजेंट ने क्या किया था, रिफ्यूज टू हैंड ओवर दी अकाउंट बुक्स ऑफ बिजनेस टू दी न्यू एजेंट सेंट इन हिज प्लेस। उसने कहा भाई जब तक मैं बुक्स नहीं दूंगा तब तक तो मेरा लोन का वेवर नहीं करोगे। फिर कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट ऑफ कोर्शन क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हूज कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन। Any benefit has to restore back. Restore back का क्या मतलब है? Restitution applicable. If the agreed party does not opt to set aside the contract, it works as a valid contract. अगर आप contract को void नहीं करते हो तो फिर वो क्या रहेगा? Continue रहेगा. Does threat to commit suicide amount to coercion? Yes, it is amount to coercion. फिर हमने क्या पढ़ा? Undue influence. The strong mind overpowers the weak mind of a person and induces him to do which he would not have done if left to his own judgment. It is a kind of mental coercion. ये mental coercion है. The presence of undue influence at the time of contract has to be proved by the party alleging that undue influence exists. In general rule तो कहता है जहाँ पे presumption नहीं है weaker party को prove करना पड़ेगा. Undue influence की definition, a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of the other. यही हमने पहला पॉइंट लिखा कि एक पोजीशन डोमिनेटिंग में हो। He uses the position to obtain an unfair advantage over the other. और उसने ये influence use किया हो अपने किसी फायदे के लिए। अब भैया अगर चोट लगी है डॉक्टर का इलाज चाहिए तो उस समय डॉक्टर जो भी बोलेगा वो सब मानोगे, सब करोगे, अंडी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। चलो, पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर वेयर अ पर्सन होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी में देखो कौन कौन से रिलेशंस आएंगे, मास्टर एंड सर्वेंट, बॉस एंड सबॉर्डिनेट, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसी। कोई भी पब्लिक ऑफिसर एक तरफ और दूसरी तरफ जनता है तो ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक ऑफिसर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। फिर वेयर अ पर्सन स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन टू द अदर, अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसमें कौन कौन से रिलेशंस आते हैं, फादर एंड सन, एडवोकेट एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, when a person mental capacity is temporarily or permanently affected due to advanced age or mental or bodily illness. अगर कोई बीमार है और उसकी डिपेंडेंस है किसी पे तो सीधी सी बात है जिसपे भी डिपेंडेंस है वो क्या कर सकता है, बिल्कुल डोमिनेट कर सकता है। कंसीक्वेंसेज ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस क्या है, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी, अग्रीड पार्टी मे रिफंड द बेनिफिट। रेस्टिट्यूशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। If the agreed party does not opt to set aside the contract, it works as a valid contract. Difference भी मैंने आपको करा दिया, यहाँ पे threat है, यहाँ पर dominate the will है, वहाँ पे physical character है, यहाँ पे moral character है, वहाँ पे intention to enter into a contract है, यहाँ पे intention to take a unfair advantage है, यहाँ पे criminal act involved है, यहाँ पे criminal act involved नहीं है। यहाँ तक हमने आज किया था, remaining we will do in the next.